आप अगर थंबनेल देखकर आए हो तो आप बहुत सही जगह पर आए हो। आज मैं ऐसी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं एलजेब्रा की, जिसमें आप एक दो सेकंड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो आपके बोर्ड में दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम को आप एक दो सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई सॉल्व करने को, जैसे SSC रेलवे में ये ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और 9th 10th क्लास में देखोगे NTXC का आप जब एग्जाम दोगे या फिर ओलंपियाड का, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर आपको मिलेंगी। तो इनमें टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए आपको टाइम बचाने के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लाया हूं जिसकी मदद से आप 2 या 3 सेकंड में आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, जैसे x+1/x=2 और फाइंड करना है x²+1/x², आप जब इसको बेसिक से करोगे तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका आंसर आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लिख दोगे। कैसे? देखिए, जैसे ये है x+1/x=5 और पूछा है x³+1/x³ फाइंड करना है, इसका आंसर आप 110 लिख दोगे। बिना कुछ सोचे समझे आप सिर्फ आंसर लिख दोगे, है ना जादू? तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं ऐसे ही आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये लिखा है √5 √5 √5 √5 और आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 5। जैसे ये लिखा है √12 प्लस, इधर मल्टीप्लाई था, इधर प्लस प्लस लगा है, तो 12, इसका आंसर आप लिख लोगे 4। कैसे लिखोगे आप ये सब आंसर? तो टेंशन नहीं लीजिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स, दिस इज अक्षय ठाकुर, और आज हम देखेंगे एलजेब्रा की ट्रिक। जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि x+1/x=2 और फाइंड करना है x²+1/x² की वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको ट्रिक बता रहे, इस पहले मैं एक बेसिक बताता हूं, देखते हैं हम बेसिक में हमको कितना टाइम लग रहा है, फिर मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे। हाँ जी, दोस्तों 2 सेकंड के अंदर। देखिए कैसे, जैसे ये जो गिवन दिया है ना, ये जो गिवन दिया है इसमें आपको क्या करना है, जब आप बेसिक से सॉल्व करोगे, पहले बेसिक बता रहा हूं ना, तो ये क्या है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब ये कैसा फॉर्म दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²+b² + 2 a × b = 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। xx कैंसिल, ये अभी ट्रिक नहीं है, बेसिक है। तो ये x²+1/x² + 2 बचा इधर = 4, प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, हो 2 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, तो किसकी वैल्यू आ गई है, x²+1/x² की, और पूछ क्या वैल्यू, यही ना, कितनी आ गई, 2। तो जब आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसमें मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, 2 की जगह कुछ भी आ जाए, तो आपसे पूछा हो x²+1/x² की वैल्यू। तो देखिए, जैसे इधर कुछ भी आ गया, मान लेते हैं a, अगर इसकी वैल्यू पूछिए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, a²-2। क्या है फॉर्मूला, a²-2। तो देखिए, जैसे इधर 2 था तो क्या करना है, a²² - 2 कितना जाएगा, 4 - 2 = 2, है ना, इजी। इसको माइंड में करना है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, a²-2, a² 4 - 2, 4 - 2 = 2, तो आ गया ना 2। अगर इधर 5 होता तो 5, इससे 5 से सॉल्व कीजिए, इधर अगर 5 होता तो ट्रिक से सॉल्व कीजिए, एक ही जगह पर 5 होता तो क्या हो जाता, 25 - 2 = 23। जी हाँ दोस्तों, आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, 7 होता तो 49 - 2 = 45, 47 आ गया ना आंसर। तो मतलब 1-2 सेकंड के अंदर आप, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, इधर प्लस था, अगर इधर माइनस आ गया तो क्या होगा, देखिए वो भी टेंशन नहीं लीजिए, इधर अगर माइनस आ गया तो बस इस फॉर्मूले में इतना चेंज करना है हमको कि मैं सब रफ कर रहा हूं कि इधर से प्लस आ जाएगा। अब x-1/x की वैल्यू 5 है और x²+1/x² पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस 2 करना है, 25 + 2 = 27। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो 27 आ रहा है और प्लस होता तो 23 आता, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, a²+2 जब माइनस रहे, जब प्लस रहे तो a²-2। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, अभी ये स्क्वायर का लिखा था, मैं क्यूब के, x⁴, x⁵ सबके फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे आपके सामने एक ट्रिक दिख रही है, जैसे इधर पावर 5 तक ली है मैंने, है ना,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को ले है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे आपसे फाइंड करने को, तो इसकी ट्रिक क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू आपको याद रखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल फोर, और आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद है ए स्क्वायर माइनस टू, तो जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस 2 तो 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर इधर माइनस होता, इधर अगर माइनस होता और यही पूछते आपसे फाइन, तो क्या करना है आपको, ट्रिक याद रखना है ए स्क्वायर प्लस 2, अब इधर जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर कितना आ जाएगा 18। क्लियर। ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये स्क्वायर वाला हो गया, हम क्यू वाला देखते हैं। जैसे अब x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी दी है 5, 3 कुछ भी ले ले, 3 ले ले रहा हूं मैं, और आपसे पूछा है क्या कि x क्यू प्लस वन अपॉन x क्यू की वैल्यू बताइए, तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, ए क्यू माइनस 3 है, तो ए क्यू मतलब 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी इस बार फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 मतलब कितना 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। अगर इधर प्लस की जगह पर माइनस होता तो क्या करते हम, इधर प्लस लगा देते, क्योंकि डिजिट में इधर प्लस है इधर माइनस, और ये प्लस पूछा आपसे तो इधर प्लस लगाना है, तो ये प्लस हो जाता कितना हो जाता 36। क्लियर। अब इसी तरीके से हम ये पावर 4 का भी कर सकते हैं और पावर 5 का भी कर सकते हैं, तो ये मैं होमवर्क देता हूं, आप क्वेश्चंस बनाना और अपने आप से सॉल्व करके देखना। अब हम आते हैं एक और न्यू ट्रिक के साथ, अभी बताता हूं मैं उसको ट्रिक को जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। देखिए एक और नई ट्रिक, जैसे इधर आपके सामने दिख रहा है रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव चलता जा रहा है, ठीक है, कहां तक है इंफिनिटी तक। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ये रेलवे एसएससी में ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है, अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। जब भी इंफिनिटी तक आ जाए और जो भी नंबर आपको दिया है वही आपका आंसर रहेगा, जो भी नंबर दिया है वही आपका आंसर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है इसकी ट्रिक। जैसे इधर ये 7 दिया है, तो 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, कहां तक जा रहा है रूट में है, रूट में होना चाहिए और ये रिपीट होना चाहिए, है ना, कहां तक इंफिनिटी तक। जब इसका आंसर आएगा क्या 7 ही आएगा। क्लियर। ये तो हो गई जब इंफिनिटी तक जाए वैल्यू, अगर इंफिनिटी तक ना जाए और आपको इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से दिया हो रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव, सिर्फ कितनी बार दिया है 5 बार दिया है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या करना है आपको, 5 लिखना है, क्या लिखना है आपको 5। अब आपको जब कितनी बार है वो देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है ना, तो आप 2 की पावर 5 कीजिए इधर, 2 की पावर 5 माइनस 1 और अपॉन में 2 की पावर 5, इतना करना है आपको। क्लियर। सेकंड वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको लिखिए और जितनी भी पावर है जितनी टाइम्स है वो 2 की पावर में लिखिए, और माइनस 1 करना है ऊपर से और नीचे वो एज इट इज लिखना है 2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 और ये नीचे 32, और ये कितना आ जाएगा 531 अपॉन में 32, इसमें से उसको माइनस करना है 31 और नीचे 32। अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं, 3 बार है 7 तो लिखना है 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7, और नीचे कितना 2 की पावर 3 कितना 8, तो ये इसका आंसर। तो ट्रिक अच्छी है ना दोस्तों, क्या है मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा, जैसे एक्स है, एक्स है जितने भी बार ये है, जैसे 4 टाइम्स है तो एक्स लिखना है। क्लियर। कितनी टाइम से ये 2 की पावर 4 माइनस 1 और अपॉन में 2 की पावर 4, ऐसा करना है बस आपको, जितने भी टाइम्स दिया जाएगा, जैसे n टाइम्स दिया है 2 की पावर n और अपॉन में 2 की पावर n, इधर माइनस करना मत भूलियो जे ऊपर पावर में। तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक ट्रिक और देखिए जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम को देखिए, आपके सामने एक न्यू ट्रिक और है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे √12 प्लस रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व और ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अभी हमने प्रोडक्ट में इधर प्लस नहीं था, प्रोडक्ट था मल्टीप्लाई था, लेकिन अब इधर प्लस है तो कैसे करेंगे देखिए, जो भी नंबर दिया जाएगा उसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो एक के बाद एक हो, क्रमागत हो, कंजुगेटिव हो। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर हम क्या बनाएंगे जो एक के बाद एक बनेंगे 3 और 4, मतलब 3 4 कितना हो जाएगा 12। आपको ये याद रखना है कि ये जो
नंबर रहेगा वो एक प्लस के होना चाहिए, ठीक है। अगर अब इधर प्लस का साइन है तो आप इसमें से बड़ा वाला नंबर लीजिए और वही आपका आंसर। इधर अगर प्लस है तो बड़ा वाला नंबर लीजिए और वही आपका आंसर रहेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखिए, 30 के हम फैक्टर क्या बनाएंगे, दो ऐसे जो एक के बाद एक हो, 5 × 6 क्या बनाएंगे, 5 × 6। अब इधर किसका साइन है, प्लस का, तो ये 6 आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इतनी आसान ट्रिक है ये। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए 56, इसमें भी वही करना है कि आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो एक के बाद एक हो, 7 × 8 56 हो जाएगा। बस ये याद रखना है नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जो कंजुगेटिव हो। प्लस है तो बड़ा वाला नंबर लेना और माइनस है तो छोटा वाला नंबर। अब इधर माइनस है तो छोटा वाला नंबर लेंगे और 7 इसका आंसर। क्लियर, बस इतना ही है इतना। अब जैसे इधर 90 है तो 90 को हम 9 × 10 ले लेंगे जो एक के बाद एक रहेंगे, इधर माइनस है तो 9 इसका आंसर। तो है ना आसान ट्रिक। तो इस वीडियो में हमने एलजेब्रा की कुछ ट्रिक देखी और ऐसे ही हम ट्रिक की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।